हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सभी का माइनक्राफ्ट के एक और न्यू वीडियो में। माइनक्राफ्ट में जब भी रात हो जाती है तो अपन को घर के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉब्स स्पॉन होते हैं कि अपना सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अपन क्या करते हैं, चुपचाप से नीचे चले जाते हैं और अपना जो घर रहता है उसके अंदर जाके मस्त खिड़कियों से देखते हैं। यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मस्त खिड़कियों में से देखते हैं कि क्या कोई स्केलेटन, कोई मॉब्स अपन को दिखाई दे रहा है। बट बहुत से मॉब्स एंड स्केलेटन अपन को दिखाई देते हैं, तो अपन क्या सोचते हैं कि भाई एक बार सो जाते हैं तो सारे मॉब्स चले जाएंगे और अपन ईजी तरीके से इनसे बच पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन तो नहीं है इस वाली खतरनाक चीज़ का, क्योंकि अगर अपने पास इन्फिनाइट थोड़े बहुत ज़्यादा टोटम आ जाए जिनकी मदद से अपन बहुत ही ज़्यादा स्केलेटन मॉब्स से थोड़ी फाइट अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉब्स स्पॉन होते हैं, ये देखो भाई ये ऐसे घूमते रहते हैं। तो अपन अगर एक टोटम फार्म बना लें जिससे अपन को छोटे मोटे टोटम मिलते रहेंगे और इन मॉब्स को अपन ऐसे इजी तरीके से मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटम रहेंगे तो अपन इनसे फाइट कर सकते हैं और बहुत ही तगड़े वाली इनको डैमेज कर पाएंगे। बट अपना जो टोटम फार्म रहने वाला है कुछ इस तरह का रहेगा कि उससे अपन को 8-10 टोटम पर सेकंड मिलते रहेंगे। मतलब अगर अपन एक रेट कराए तो उसमें से 8-10 टोटम अपन को ईजी मिल सकते हैं। बट अपन यही चीज़ करने वाला है कि अपन को लूट भी बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है इस टोटम फार्म से। बट अपना एक और गोल रहने वाला है कि इस वाली वीडियो का सबसे पहला शॉर्ट आउट जाता है अपने भाई को। गुड वर्क ब्रो, भाई आपके लिए एक थैंक्स बोलता हूं मैं, क्योंकि अभी अपना व्यूज बहुत ही ज्यादा गिर गया है, तो प्लीज से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। और बट अपना नेक्स्ट चीज की अपना भाई एक टेलीग्राम चैनल बन गया है, तो प्लीज से जाके उस पर डिस्कॉर्ड सर्वर बन गया है, तो उस पर जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होने के बाद ही अपन गेम प्ले कर पाएंगे। क्योंकि मैंने जो सर्वर बनाया हुआ था अपना SMP वाला, वो वर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपन फ्रेंड्स बन के साथ में इजी प्ले कर पाएंगे। बट प्ले करने का जो टाइम रहेगा ना, रात के टाइम पे ही अपन साथ में खेल पाएंगे यार, क्योंकि सुबह के टाइम मैं उतना ज़्यादा फ्री नहीं रहता हूँ, लेकिन 8 के बाद अपन रात तक खेल सकते हैं। तो बिना देर के अपन टोटम फार्म बनाना है, तो पहले इन प्लेजर्स की बाट लगानी पड़ेगी। तो पहले तो मैं किस प्लेजर को मार देता हूँ, उसके बाद बोर्ड उठा लेते हैं अपनी, और जो अपना प्लेजर आउटपोस्ट है ना, ये पूरा मेरा ही है, क्योंकि इसके ऊपर भाई ये कहाँ से आ गया यार, मैं बोल रहा था कि ये मेरा है, मतलब जो पोर्ट्रेस है ये वाला पिकलिंग आउटपोस्ट है मेरा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ काला जादू करके रखा है, अभी दिखाता हूँ। बट पहले इस प्लेजर को भाई नीचे चला गया यार, क्या ही नकली प्लेजर है यार, तो इसको एक और पेट देते हैं और इसका खेल ख़त्म। बट अपन थोड़े और ऊपर चलते हैं, एक और ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो भाई मैं क्या करके रखे हुए, यहाँ पर बोर्ड्स डाल दिए, क्योंकि जो प्लेजर्स होते हैं वो अपन को आके मारते रहते हैं। बट कुछ बोर्ड डाल दो और ये आपके करोगे तो वो बोर्ड के अंदर बैठ जाते हैं और अपन ईजी तरीके से इनको मार सकते हैं। ऐसे ही करके अपन को जो रेट वाली बोतल रहती है न्यू वाले अपडेट की, उसको लेना पड़ेगा यार। बट मेरी हेल्थ देखो इनने कितनी कम कर दी है, तो पहले इस प्लेजर को और मारना है। भाई एक एक का डैमेज दे रहा है यार, एक दो दो हार्ड का सीधा। बस कोई बात नहीं, पहले इसको मारते हैं, अभी बचे दो, तो पहले इस एनिमल को और मार देते हैं। मतलब एनिमल बोलिए भाई, सॉरी यार, स्टीव ज़ॉम्बी है तो। बट इसको पहले मारते हैं, क्योंकि जो वो है ना पीछे वाला, उसको अपन ईजी तरीके से मार देंगे, तो इसका भी खेल ख़त्म। और अभी इस प्लेजर को भी मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लूट डली हुई है, दो ही हार्ड है, एक और थोड़ा खेल ख़त्म। बट अपनी शॉट टूट गई है, तो यहाँ से मुझे एक और बोतल मिल जाती है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो ऐसे करके मैं 4-5 बोतल कर लूँगा इधर से ऐप के करके अच्छे तरीके से। बट जो भी अपना इस XP फार्म को बनाने में टाइम लगने वाला, मतलब टोटम फार्म को बनाने के लिए जो भी आइटम्स लगने वाले हैं, वो सारे इस चेस्ट के अंदर है। और इतने ऊपर भाई अपन ब्लेजर को कैसे लेके जाएंगे, वो भी उसका बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। तो खड़ाघर से अपन को जाना है 110 या फिर 100 ब्लॉक्स की ऊपर, क्योंकि अपने बाजू में ये पोर्ट्रेस है, मतलब प्लेजर आउटपोस्ट, तो अपन को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे भी मैं एक स्टैक भर के यूज़ करता हूँ, उसके बाद कुछ और यूज़ कर लेते हैं। और अपना पूरा एक प्लेटफॉर्म रेडी हो गया था जहाँ पर अपन एक XP फार्म बनाने वाले हैं, तो जहाँ तक अपना पानी आने वाला है उधर तक अपन कुछ इस तरीके से ब्लॉक लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ रहने वाली है। देखो अपना 7-8 ब्लॉक का ये हो गया, पिकैक्स कहाँ गई, ये आ गई अपनी पिकैक्स, इसकी मदद से स्टोन को अलग कर देते हैं। और अपना देखो अभी इधर तक वाटर आएगा, एक और ब्लॉक बढ़ाते हैं, एक सेकंड इधर पे और बढ़ाता हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना तो अपन उसको कट कर सकते हैं, बट कम रहेगा ना तो अपना थोड़ा गड़बड़ टोटम फार्म बन जाएगा। खड़ाघर से मैं अपना स्टोन लगाने का काम करता हूँ उधर से, क्योंकि अपन को ऐसी 7-10 लाइन बना देनी है, 10-12 लाइन में अपना काम ईजी हो जाएगा। तो मैं खटाखट से इधर पे और लगाता हूँ, ए हो गए अपना 3 लाइन,
बट बच गया भाई, एक ब्लॉग ही था, नहीं तो मैं नीचे ज़्यादा सीधा। बट कोई बात नहीं, इधर से मैं एक और लाइन क्लियर करता हूँ, क्योंकि अभी देखो अपना 4 लाइन कंप्लीट हो गया है, और ऐसे करके अपन 8-10 लाइन कर देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। तो इधर से और मैं खटाखट करता हूँ, 1, 2, 3, 4 ए हो गए भाई। तो अपना जो है इतना काम होने के बाद अभी अपन इसमें वाटर डाल के चेक कर लेते हैं कि अपना सही से बन रहा है कि मैं कुछ भी बना दे रहा हूँ। देखो तो अपना एक किलिंग चैम्बर थोड़ा सा बन गया है जहाँ पर अपन वाटर डालने वाले हैं। तो इतनी जगह बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, बट अपन को थोड़े ब्लॉक्स और आगे जाना है। तो ऐसे करके एक ब्लॉक और चलता है, 1-2 ब्लॉक, तो इधर से इसको डालते हैं, 1 ब्लॉक और। अभी इतने ब्लॉक मेरे ख्याल से फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इतने दूर तक ही अपना वाटर आ पाएगा 1 बाल्टी पानी। उसके बाद में अपन थोड़े और आगे कर लेंगे तो अपना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो अपन को जितना कम जगह में टोटम फार्म बनेगा ना उतना ही बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि जो प्लेजर्स होते हैं वो कहीं पर भी स्पॉन हो जाते हैं। अगर अपन एक ब्लॉक भी छोड़ देते हैं तो पानी गड़बड़ जा रहा है भाई, इसको पैक करना पड़ेगा। 1 सेकंड इधर पे लगा दूँ, इधर पे एक स्टोन लगा देते हैं ना, 1 स्टोन आ गया। तो अभी वाटर डाल देते, तो ये कहाँ तक जा रहा है अपना भाई, पूरा देखो उधर तक ही कैच कर रहा। तो अपन को यहाँ से 2 ब्लॉक्स और 2 ब्लॉक और आगे निकल लेते हैं, मतलब 3 ब्लॉक्स आगे चलते हैं, क्योंकि 2 ब्लॉक्स पर पानी आ जाएगा तो अपना एक और काम हो गया। तभी अपना जो किलिंग चैम्बर के लिए जो पानी जाएगा वो सही रहेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं जो रेवेजर होते हैं ना बड़े वाले, वो अगर 2 आ जाते हैं तो वो कहाँ पर बनेंगे, वो ऊपर स्पॉन हो जाएंगे झाड़ियों के ऊपर, तो अपना टोटम फार्म वर्क करना बंद कर देगा। तो खटाखट से ऐसे कुछ अपन 2 ब्लॉक्स को बढ़ा देते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 इधर पे एक, और 1 सेकंड भाई एक आ गया, इधर से ऐसे ही कर देता हूँ, 1, 2 इधर पे ए भी आ गया, चलो ठीक है। इधर से थोड़ा और, अबे ख़त्म ही हो गया, बट कोई बात नहीं, इधर से इसको ए हो गया भाई अपना क्लियर। बट अब ये देखो अपना टोटम फार्म जो है आधा बन गया, इधर से अगर अपन इसको लगा देते हैं ऐसा करके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसको लगाने के बाद अभी यहाँ पर वाटर डालें, अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्या, चलो ठीक है। तो ए थोड़ा ज़्यादा आ रहा है यार, 1 ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, 1 ब्लॉक को और कम कर देते हैं, क्योंकि अपन को इतना वाटर लेना है और 2 ब्लॉक्स की जगह छोड़नी है पीछे साइड। तो यहाँ पर मैं खटाखट से इसको लगाता हूँ, ए अपना 1 ब्लॉक कम गया है। तो इधर पे इसको लगाने के बाद खटाखट से जो पीछे वाले 2 ब्लॉक्स हैं इनको मैं तोड़ देता हूँ, मतलब एक ऊपर वाला और एक उसके नीचे वाला। इसको क्लियर करने के बाद देखो अभी अपना आधा काम हो गया, बट इसको अपन को थोड़े आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे इधर पे वाटर डाल देते हैं तो ए जा रहा है बिल्कुल कगर तक, और इस साइड देखे तो वो 2 ब्लॉक बच रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ इस तरह से भी अपन को इस साइड में 2 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो खटाखट से इस काम को भी करते हैं, यहाँ से मैं 2 ब्लॉक्स आगे बढ़ाता हूँ, इधर पे चलते हैं 1 ब्लॉक, और इधर से ऐसा करके इसको क्लियर कर देते हैं पहले इस वाली लाइन को। इधर पे भी अपन को 2 ब्लॉक छोड़ने हैं क्योंकि ये चैम्बर बनने वाला है, तो इधर से इसको आगे और बढ़ा लेते हैं। तो अपना आ गया भाई ये 2 ब्लॉक का फिर से फिक्स आइटम, मतलब यहाँ पर अपना जो है मॉप्स वगैरह इधर से गड्ढे में गिर जाएंगे, ये आ गया। बट अपन को 1 ब्लॉक और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाउंड्री वाली लाइन है ना उसको तो भाई लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो अपना कुछ गड़बड़ सिस्टम हो जाएगा। इधर से ऐसे करके इस वाली लाइन को भी अपन क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जो अपना टोटम फार्म है बहुत ही बेस्ट तरीके से वर्क करे और ईजी बने भाई, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। बट ए सही है, लेकिन अपना जो सामने वाला है इसको अपन को मिलाना पड़ेगा ऐसे, तो यहाँ पर सामने साइड जाना पड़ेगा तभी अपन उस ब्लॉक को मिला पाएंगे। इधर पे तो मैं ब्लॉक लेके नहीं आया, ये ऊपर एक हाइट ज़्यादा आ रही है उसकी, बट कोई बात नहीं, इधर से जंप करके चलते हैं और वहाँ पर ब्लॉक्स लगा देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, मतलब वर्क नहीं यार, जो अपन रेसिपी बना रहे हैं ना ये बहुत ही काम का टोटम फार्म रहने वाला है। इधर से इस ब्लॉक को अलग कर देता हूँ, इन दोनों को अलग करने के बाद इसको मैं उसके साथ जोड़ने वाला हूँ, 1 को 1 सेकंड, ये हो गया क्लियर। तो इसको करने के बाद देखो अभी अपन को क्या है, इस टोटम फार्म की थोड़ी हाइट ले लेते हैं, क्योंकि बाद के टाइम पे क्या पता कब कर पाएंगे। तो इसकी हाइट जो है 1 सेकंड भाई बहुत ही नीचे यार, गिर जाएंगे तो बाट लग जाएगी। एक ही वाटर बकेट है भाई, क्या ही करूँगा यार मैं, एक यहाँ से डालते हैं। देखो ए ब्लू गड्ढे तक जा रहा है, अगर इसको उठा के यहाँ पर डाल देते हैं तो ए भी गड्ढे तक ही जाना चाहिए। ये देखो मतलब दोनों साइड से अपना क्लियर पानी आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको चेक करना है, और ए आ गया अपना क्लियर पानी। बट अभी अपन को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही वाटर बकेट लेके आया हूँ, तो कैसे भी करके वो वाटर जो नीचे डला हुआ है उसको लेके आना पड़ेगा। लेकिन मैं एनर्जी करता हूँ तो अपना बैंड बच जाएगा, लेकिन अपन एनर्जी नहीं करते, इधर से पानी डाल के जाएंगे तो अपना उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला, बचने का चांस थोड़ा बहुत रहेगा। बट अगर अपन मर जाते हैं कूद कर तो थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क रहेगा।
खटाखट से पहले तो कुछ ब्लॉक्स माइन करते हैं, क्योंकि किलिंग चैम्बर में जो एनिमल्स मॉब्स गिरने वाले हैं, मतलब जो रैबिचर और प्लेजर्स, तो वो गिरेंगे भाई 12 ब्लॉक से लेकर 15 ब्लॉक के नीचे, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे कर देते हैं तो वो डायरेक्टली मर जाएंगे। तो अपन को 12 से 15 ब्लॉक तक कर लेना है, मैं तो भाई 15 ब्लॉक पर कर दे रहा हूँ इसको। तो आपको लगे 12 या फिर जितना भी करना हो आप कर सकते हो, बट मैंने 15 यूज़ किया, तो आप भी 15 ब्लॉक्स ही यूज़ करना, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो वो ऐसे ही मर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से अपन को ऐसा कर लेना है, 4 ब्लॉक्स का ये आइटम फ्रेम बनाना है, इधर से 2 लगा दो, इधर पर भी 2 लगा देते हैं, इस साइड 2 हैं ही। तो अपन को क्या करना है, अब 4 ब्लॉक्स जो रेडी हो रहे हैं इनकी हाइट कर देनी है 15-15 ब्लॉक्स पर। अभी अपना क्लैंक चैम्बर बिल्कुल रेडी हो गया है, और अभी मुझे जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि देखो मेरे पास एक ही वाटर बकेट है, नहीं तो अपन इन्फिनाइट वाटर नहीं बना पाएंगे। तो देखो अगर इधर से मैं जंप करता हूँ तो मैं मर जाऊँगा, मुझे पता भाई इतना प्रो भी नहीं हूँ मैं, बट अगर यहाँ पर एक बाल्टी पानी डाल दें तो वो थोड़ी देर बाद ही नीचे इन्फिनाइट वाटर बन जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा पानी होगा कि अपन कहीं पर भी जंप करते हैं ना तो बचने के चांस 99% हो जाएंगे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है, बट 1% चांस ही रहेंगे कि अपन मर जाएंगे, बट कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक पानी पहुँच पाता है। थोड़ी देर और भाई, मेरे को लग रहा है पानी पहुँच गया है नीचे, बट दिखाई तो नहीं दे रहा है, अगर थोड़ा अपने पास टेलीस्कोप होता तो अपन चेक कर लेते, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही सुबह हो जाती है और मैं देखता हूँ कि नीचे बाढ़ आ गई है, ये देखो भाई। तो अगर अपन यहाँ से जंप करें एक तगड़ा वाला जंप तो क्या होगा, ये देखो चले अपन भाई, क्या ही लग रहा है यार, बच गए। ऐसे अगर अपन तगड़ी वाली एनर्जी करते बिल्कुल सीधा नीचे तो कैसा लगता है यार, बट कोई बात नहीं, अपन खटाखट से नीचे आ जाता है। और यहाँ पर जो मेरा चेस्ट में आइटम रखा था, वाटर बकेट वगैरह जो कुछ भी मुझे लगने वाला है, इधर से अपन थोड़ा थोड़ा आइटम ले लेते हैं। जैसे अपन को लगेगा ये पानी का बकेट, लावा भी लगने वाला किलिंग चैम्बर के लिए, तो लावा को रख लेते हैं। और अपन को लगेगा कुछ हॉपर्स, कुछ चेस्ट वुड, मतलब चेस्टेस, और कुछ कैंपफायर्स वगैरह जो कुछ भी लगने वाला था वो सारा ले लेते हैं। और इन सीढ़ियों उसको लगा के मैं खटाखट से ऊपर जाने वाला हूँ। तो इसको भाई 2 बार मैंने बहुत ही तगड़ा डैमेज ले लिया, क्या पता मैं कैसे ही ऊपर जाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर जो अपन एक बार बैठ जाते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ही बेस्ट तरीके से खटाखट ऊपर जाने लगते हैं। तो खटाखट चलते हैं बिना देर के ऊपर, जहाँ पर अपना टोटम फार्म है, क्योंकि बार बार आने जाने में वाटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे अपन भाई, इतने हैकर नहीं है कि एक वाटर बकेट से अपन इतने ऊपर जा सके, बट कोई बात नहीं, अपन कुछ इन सीढ़ियों का यूज़ कर पाएंगे। और अभी मेरे पास थोड़ी और भी ज़्यादा ये सीढ़ियाँ है, तो इन लैडर्स को मैं खटाखट लगाता हूँ। और भाई ये क्या हो गया, नीचे कूदना पड़ेगा यार, गिर जाएंगे ना तो गेम ख़त्म होगा अपना, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिक्स तो लेना पड़ेगा ना मेरी जान। तो ऐसे करके भाई अपना एक काम हो गया, और अभी भाई फिर से मैं फंस गया था यार यहाँ पर, एक और ऐसे जंप करते हैं, और अभी अपन को थोड़े और ऊपर जाना, देख कर जाना पड़ेगा, अभी अपन आने ही वाले हैं, तो खटाखट से मैं ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ धीरे धीरे। बट अपना जो है भाई ये टोटम फार्म ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट इसके भाई 50% कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक ब्लेज़र को लेके आना है, और कुछ ब्लेज़र तो नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका भी एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको बता दूंगा। बट खटाखट से ऊपर साइड माइनिंग करते हैं, और अपन सीधे आए इस बड़े वाले किलिंग चैम्बर में, जहाँ पर भाई छोटे छोटे ब्लेज़र्स गिरने वाले हैं, और जो रैवेजर रहेंगे ना वो ऊपर ही मर जाएंगे, और वो कैसे मरेंगे वो भी बात कर लेंगे। बट खटाखट से इन लैडर को यहाँ पे मैं ब्रेड खा लेता हूँ पहले, तो और इस जगह को क्लियर करता हूँ भाई, ये वाटर कहाँ से आ रहा है, ऊपर से ही आ रहा है जो मैंने डाला हुआ था, बट यहाँ पर इसको फिक्स करते हैं, और ये हो गया भाई क्लियर। बट यहाँ थोड़ा गड़बड़ मैं जगह पे आ पा रहा हूँ, तो इसको लैडर को अलग करते हैं, और इस वाली लैडर्स को भी अलग कर देता हूँ, क्योंकि इनका कोई भी काम नहीं रहने वाला है यहाँ पर, अपन को थोड़ी दूसरी जगह से आना जाना करना पड़ेगा। तो इस जगह को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर करने के बाद यहाँ से इसको भी बंद किया, तो अपन को भाई थोड़ा बहुत पानी का यूज़ करना पड़ेगा और ऊपर जाएंगे भाई। ये थोड़ा रिक्सी नहीं है, बट अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, देखो मैं तो भाई हैकर नहीं हूँ, बट ऐसे वाटर बकेट डालें और ऐसे कुछ ऊपर जाएं और इसको उठाकर ऊपर डाल देते हैं। अबे भाई थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट फिर से कोशिश करके देखते हैं, एक बार उठाया, अबे भाई वहीं के वहीं है यार, थोड़ा ऊपर डाला है ऐसे,
बट आया नहीं इस बार पानी, इस बार देखते हैं। अबे भाई क्या ही हो रहा है, इस बार भी नहीं आया, बट एक बार और कोशिश। अबे भाई क्या ही हो रहा है, आ गया भाई, आ गया, लेट्स गो। थोड़ा और, एक ब्लॉक और, एक ब्लॉक और बचा हुआ है गाइस। अगर एक ब्लॉक और ऊपर डाल देते हैं तो अपना काम ईजी हो जाएगा। इस बार ही चेक करते हैं। अबे भाई आ गए थे यार, एक ब्लॉक का चांस बचा हुआ था और फिर मैं गिरते गिरते बचा भाई। एक ब्लॉक कहाँ पर मैं आ गया, मेरे को खुद भी नहीं पता भाई कहाँ पर आ गया मैं। बट कोई बात नहीं, अगर ये ब्लॉक नीचे थोड़ा गिर जाता ना मैं तो अपनी बाट लग जाती, क्या पता कैसे एनर्जी करता मैं। बट कोई बात नहीं, अपन अपने किलिंग चैम्बर में आ गए थे, तो इधर पे अपन को सबसे पहले करना है इन्फिनाइट बॉर्डर। इन्फिनाइट बॉर्डर करने से पहले मैंने सोचा कि भाई पहले अपन हाइड करते हैं, क्योंकि बॉर्डर अपन कभी भी इन्फिनाइट कर देंगे। अगर बॉर्डर इन्फिनाइट कर देंगे ना तो मॉब्स स्पॉन नहीं हो पाएंगे। तो फटाफट से इस पानी को उठा लेते हैं। कहाँ गए भाई मेरी बाल्टी, और इस बकेट की मदद से मैं इस पानी को ले लेता हूँ। और अपन को भाई इसकी हाइट कर देनी है 8 ब्लॉक तक कर सकते हो। अभी तो मैं 3-4 ब्लॉक को ले रहा हूँ, 5-5 ब्लॉक, और अपन 3 से 4 ब्लॉक्स और बाद में बढ़ा देंगे तो अपन 8 ब्लॉक्स तक इसकी हाइट ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो फटाफट ए हो गया भाई अपना ब्लॉक का हाइट। उसके बाद मैं और भी हाइट कर देता हूँ, क्योंकि अपन को करनी थी 10-10 या फिर 8 ब्लॉक्स तक की हाइट। तो ये हो गया भाई अपना 8 से 10 ब्लॉक का हाइट, खटाखट से इसको मैंने कंप्लीट किया। फिर मैं थोड़े और ऊपर जाता हूँ, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर AFK। तो मैं थोड़ी देर तक AFK करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी मॉब्स स्पॉन हो गए, तो अपन को ज़रूरत है भाई एक जॉम्बी ब्लेजर की, अगर वो आ जाता है। बट यहाँ पर 3-3 जॉम्बी ब्लेजर्स आ गए थे और कुछ स्टीव जॉम्बीज, जो 2 स्टीव जॉम्बीज थे और एक मकड़ी आया हुआ था, तो उसको मैंने किल कर दिया था। बट कोई बात नहीं, अपन एक बार और नीचे चलते हैं, इनको बचा लेंगे, क्योंकि 2-3 बारी भाई मैं मॉब्स को नीचे से मार के ऊपर आया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मॉब्स ज़्यादा रहते हैं ना तो मॉब्स उतने जल्दी स्पॉन नहीं होते। बट अगर आप उनको मारते जाओगे, अबे भाई ये मेरे पीछे मेरे को देख पा रहा है, तो अपन थोड़े आगे जाके एक बॉर्डर को डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पर अगर मैं पानी डाल दूँ तो जो मॉब्स है वो मेरे पास आएंगे और वो सीधा किलिंग चैम्बर में जाएंगे जहाँ पर मुझे उनकी ज़रूरत है। तो 1 सेकंड आने वाले क्या, एक तो देख रहा है भाई आ जाएगा क्या, देखते हैं। अभी जाने वाला है शायद से नीचे, और ये पहुंच भी गया भाई, लेट्स गो। अपने एक काम और हो गया, अपना जो मॉब्स थे वो नीचे पहुंच गए हैं। उनके बाद अभी यहाँ से एक एनर्जी करता है, और देख रहे हो भाई क्या ही हैकर हूँ ना मैं। ये एनर्जी करने के बाद अभी अपना टाइम है भाई इन्फिनाइट बॉर्डर करने का। तो खटाखट से इस काम को भी क्लियर करते हैं, क्योंकि मॉब्स तो नीचे पहुंच ही गए हैं। तो मैं इन्फिनाइट बॉर्डर कर देता हूँ, लावा भी डाल देता हूँ, बट अपना जो भाई बोर्ड रहता है ना वो अपन कहीं पर भी लगा देते हैं। उनकी जगह पे मैंने न्यू वाले का यूज़ किया, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपन समझ जाते हैं। और फिर मैंने कुछ यहाँ पर ग्रास को लगा दिया, जिसकी मदद से कभी भी यहाँ पर मॉब्स स्पॉन नहीं हो गए। और बॉर्डन अफेक्ट पीने के बाद, बैडन ओमन, इसको पीने के बाद रेड स्टार्ट हो जाएगी अपन ब्लेजर्स के पास जाते हैं तब। तो अपन ने नीचे ब्लेजर्स को भी सैड कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था। बट वो ब्लेजर्स को मैंने क्योर कर लिया। क्योर करना आपको पता ही भाई, एक कुछ वीकनेस पोषण पिला दो और एक एप्पल खिला दो। इतना सब करने के बाद भाई अपना सब काम रेडी हो गया था। जैसे तैसे करके यहाँ पर अपना चेस्ट में आइटम डाल देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक रेट होगी जिसके अंदर से अपन को भर भर के टोटम्स मिलने वाले हैं। टोटम के साथ अमरेल्ड और फ्री आइटम्स भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। बट यहाँ पर एक गलती मैंने ये कर दी थी कि भाई रेट तो हो जाती है, बट अपन जैसे ही ऊपर देखते हैं ना तो ब्लेजर्स की सारी घास गायब हो गई थी, क्योंकि ये ब्लेजर्स ने सारी घास खा ली, क्योंकि यहाँ पर कोई भी भाई पत्ती ही नहीं बची। मतलब ये रिक्सी हो गया था, अगर बट ब्लेजर्स यहाँ पर स्पॉन हो जाते हैं ब्लेजर तो इसका खेल ख़त्म हो जाएगा। स्पॉन नहीं भी होते ना, इसको थोड़ा सा छुआ लग जाता तो इसका बैंड बच जाएगा भाई। तो खड़ाघर से इसको मैं क्लियर कर दूंगा, बट रेट होता है देखते हैं क्या कितना रेट हो सकता है। अगर ये ब्लेजर मर गया तो इतने ऊपर ब्लेजर्स को लाने में अपनी बाट लग जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर मॉब्स स्पॉन होंगे तो वो लावा में जल जाएंगे। तो अपन देखते हैं क्या ही अब अपना जो XP फार्म वर्क करेगा या फिर बाद में दिक्कत होने वाली है। तो खड़ाघर से अपन पहली रेट के अमरेड 2 आ गए हैं और 2 एरो भी आ गए, तो इस वाली रेट के अपन अमरेड देखने वाले हैं। उसी के साथ में टोटम्स देखेंगे कितने टोटम आएंगे या फिर ब्लेजर्स उसके बीच में मर ही जाएगा। तो खटाखट से इस चीज़ को देखते हैं क्या कितना आइटम आ सकता है। तो देखते हैं भाई 3 अमरेड आ गए, ओके 3 अमरेड के साथ में कुछ जूते चप्पल भी आ गए हैं। उसी के साथ नेक्स्ट वाली रेट का है भाई एक एनिमल बचा हुआ जो रेविजर हो सकता है या फिर कोई आइटम मॉब्स वगैरह। तो अपने 5 अमरेड तो आ गए, बट भाई ब्लेजर्स का मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है यार, अगर ये गिर जाता है ना तो बैंड बच जाएगा। बट इसको जब रेविजर वगैरह आएंगे तो अपन उसके आजू बाजू घास लगा देंगे, क्योंकि ग्रास लगा देंगे तो बचा रहेगा भाई, नहीं तो इसका खेल ख़त्म है मुझे पता है। एक एरो अगर कहीं दूसरी जगह पे, अबे भाई
दूसरी जगह पे मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं तो अपना बैंड बता देगा। एक एरो भाई ब्लेजर्स का खेल ख़त्म कर देगा, बट ये जो ब्लेजर आया उसको भी मैं मार देता हूँ और अपना नेक्स्ट रेट का आइटम आने लगेगा। तो नेक्स्ट रेट होने लगी है, मतलब जो उसी रेट का पार्ट रहता है। तो नेक्स्ट रेट में थोड़े पावरफुली मॉब्स आएंगे, बट देखते हैं इस बार कौन आने वाला है। अगर जादूगर आते हैं ना जो पोषण फैक्ट है भाई, उनको बस इस शॉट की मदद से मारना पड़ेगा, नहीं तो हर एक मॉब्स का खेल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो जादूगर रहता है वो पोषण पी के हेल्थ बढ़ा लेते हैं और उनको लावा से भी डैमेज नहीं मिलता, लावा कैंप फायर से डैमेज नहीं मिल पाता है उनको। बट यहाँ पर मॉब्स ना आए और अपने प्लेजर्स आ गए तो फटाफट से मैं इनको मार देता हूँ भाई। मैं नहीं मारूँ तब भी ये मर जाएंगे। बट अपन को मिली भाई एक पिकैक्स आ चुकी है जो अपने काम के आने वाली है बाद में। बट यहाँ पर देखें तो अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा यार, इसका कर देते हैं भाई खटाखट से। मैं इसको पैक कर देता हूँ क्योंकि जब तक रेट हो रही है ना वो तो मरते रहेंगे। बट अगर ब्लेजर मर जाता है तो अपना रेट फार्म का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें अभी तक एक भी टोटम नहीं आया जिसकी अपन को ज़रूरत है। तो खटाखट से मैं इस जगह को क्लियर कर देता हूँ भाई। ब्लेजर्स को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है यार, उसके पसीने छूट रहे हैं, मतलब इसको इतना ज़्यादा डर लग रहा है। तो खटाखट से मैं यहाँ पर कुछ इसको लगा देता हूँ अपनी घास को। एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर और लगा देते हैं। रेट चल ही रही भाई, ऑटोमेटिक आ रहे हैं, मर रहे हैं। बट अपन जो कैंप फायर वाला है इसको अपन ट्राइडेंट में भी चेंज कर सकते हैं बाद में, क्योंकि अपने पास अभी ट्राइडेंट नहीं था। नैदर में अपन गए नहीं है कि अपने पास उतना अच्छा रिसोर्सेज मिले, इसीलिए अपन ने भाई थोड़ा बहुत जुगाड़ भी लगा लिया। खटाखट से भाई इस ब्लेजर को पैक करना, एक भी इसको टच कर दिया ना मैंने तो भाई ये आत्महत्या कर लेगा, गिर जाएगा जट से, इतने ऊपर से गिरेगा तो उसको भाई ला भी नहीं पाऊंगा मैं, मतलब ये अपनी बाट लगा देगा अगर गलती से गिर भी जाता है तब। तो फटाफट से इस ग्रास को ऐसे लगाते हैं क्योंकि अभी ये ग्रास नहीं टूटनी चाहिए। क्या पता यार कैसे ग्रास टूट गई भाई, मैंने पहले इसको पैक कर दिया था बट इसकी जो ग्रास है क्या पता कहाँ पर चली गई। तो खटाखट से मैं इसको लगा देता हूँ, एक यहाँ पर, एक और यहाँ पर, ये आ गया भाई क्लियर। इसके बाद भाई इसको हल्का सा धक्का देना पड़ेगा, अगर ज़्यादा भी धक्का हो जाता है। एक सेकंड पहले ग्रास लगा देते हैं क्योंकि अभी एप्पल मिला भाई, एप्पल गिर रहा है उसमें से ग्रास से। तो इसको ऐसे क्लियर करते हैं कि भाई इस ब्लेजर को ना गल पाए। अगर इसको छोटा सा डैमेज होता है तो ये पीछे गिरेगा, नॉक बैक मिलेगा इसको और इसका खेल ख़त्म भाई। बिल्कुल संभाल कर इस ग्रास को अलग कर देता हूँ और इसको अभी धक्का से अंदर करते हैं भाई। ये देख रहे हो कितने ऊपर है भाई, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ये कहाँ पर है भाई। इसको थोड़ा सा धक्का देके अंदर करते हैं। चल भाई घर के अंदर जाओ बच्चे, भाई सब चला जाए यार, भाई मान जा मेरी बात, मान जा। अगर इसको थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं भाई तो यहाँ पर गिरेगा ना तो इसका बैंड बजेगा। बट कोई बात नहीं, अपना रेट अटका हुआ है देख रहे हो, क्योंकि उसके अंदर आ गए हैं जादूगर और उनको मारने के लिए भाई अपन को शॉट से ही मारना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं इस चीज़ को भी क्लियर करता हूँ। ये हो गया अपना ब्लेजर सेफ, इसको अब कोई भी नहीं डैमेज करेगा। बट थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर फंस गया था तो अपना ईजी दिमाग से निकल जाता हूँ। बट अपना ब्लेजर ऊपर है और यहाँ पर देखो इनको डैमेज करना पड़ेगा अपन को शॉट की मदद से। तो खटाखट से मैं इनको मार देता हूँ और अपना पहला टोटम आ गया था इस वाले बल्ड का। तो खटाखट से अपना पहला टोटम उठाते हैं और अपने टोटम वाला मिशन, मतलब जो टोटम का एक्सपी फार्म बनाया हुआ था अपन ने इन्फिनाइट टोटम का, तो थोड़ी देर बाद इस टोटम के अंदर बहुत ही ज़्यादा टोटम्स आने लगेंगे। बट आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो एक लाइक करके पैर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मतलब डिस्कॉर्ड सर्वर।